दोस्तों स्वागत है आपका आरविंग चैनल पर। दोस्तों आप भी अगर अपनी कार लेने की सोच रहे हो या एक दो साल में लोगे तो भी ये कार आपके लिए बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि पता है कई सालों से लोगों की खानदानी कार बनी हुई है, मतलब बहुत सालों से लोगों के घर में ये कार है, जनरेशन वाली कार है। और हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और वैल्यू फॉर मनी चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं, और जब बात आती है वैल्यू फॉर मनी कार की तो ये कार वहाँ भी बहुत खरी उतरती है। चाहे आप बात कर लो माइलेज की, क्वालिटी की या गियर शिफ्टिंग कमाल की है, और कंफर्ट तो भाई एकदम मक्खन है। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने चाहता कि आप इस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से वंचित रहें, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की चौड़ाई की, तो जो कि है 1680 mm, और इसमें हेडलैम्प में स्मॉगी इफेक्ट दिया हुआ है, और साथ ही इसमें हेलोजन बल्ब मिलता है। इस गाड़ी की लेंथ 3805 mm है, और बॉडी कलर डोर है, जो कि बेस वेरिएंट में बहुत ही कम कंपनियां देती हैं। दोस्तों ये कार 4 सिलेंडर है, जो कि 7 से 8 लाख के बजट में बस एक तो ये देती है और एक इग्निस देती है मारुति सुजुकी की। दोस्तों इसका व्हील बेस 2400 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का। इसमें कोई भी डिफोगर या रियर वाइपर नहीं दिया गया है, और इसमें फोग लैम्प भी नहीं है, एंटीना दिया हुआ है, 2 पार्किंग सेंसर है। और बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। और बात करते हैं अंदर की, तो इसमें चारों पावर विंडो मिल जाएंगे आपको, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, मिरर का जो कंट्रोल है वो मैनुअल ही मिलेगा, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता क्योंकि दोस्तों ये बेस मॉडल है, लेकिन इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। बड़ा सा ग्लो बॉक्स रियर में, बूट भी है, और बूट स्पेस की बात करें दोस्तों तो इसमें 260 लीटर की बूट स्पेस है, और इसमें जो स्टेपनी दिया हुआ है वो जो सेम स्ट्रीम है जो कि आप लगा सकते हो, बड़ा छोटा नहीं दिया गया है। और दोस्तों इसमें माइलेज की बात करें तो माइलेज इसमें आपको मिलता है 20 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छी है, जो कि आप चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब बहुत ही अच्छी कार है, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, आपको हर चीज़ इसमें अच्छा मिलेगा, कंफर्ट से लेकर क्वालिटी तक। और हुंडई की कार है तो आप रीसेल वैल्यू भी ठीक ठाक मिल जाती है। दोस्तों कार है ग्रैंड i10 न्यूज, इसकी USP है दोस्तों कि इसमें 4 सिलेंडर मिलता है, और 4 सिलेंडर आपको बस इस बजट में एक ही कार देती है, जो कि है इग्निस। लेकिन इग्निस का लुक मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ा ऑड लगता है, इसका नया अपडेट भी आया है तो ये कार ज़्यादा पहले से फ्रेश लुक देती है हमको, तो इस वजह से ये कार मुझे ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 5,84,000 एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑन रोड आपको 6.5 तक मिल जाएगी, और 6.5 लाख के बजट में बहुत ही अच्छी कार है, आप मतलब लेके पछताओगे नहीं अगर आपकी पहली कार होने वाली है तो। दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, धन्यवाद, और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं अब इस पर रेगुलर वीडियो डालूंगा इसी तरह की कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, EV और जो भी फ्यूचर का टेक होने वाला है उससे। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।